फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का मैसेज आ जाता है तो पीएम किसान सम्मान योजना की किस्त मिलना 100% निश्चित हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको इस प्रकार का इसमें शो हो रहा है, स्टेटस दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको इस बार पैसा नहीं दिया गया, तो कैसे ये सब किसान अपना पैसा पा सकते हैं, जो रुका हुआ पैसा है उनको कब तक मिल जाएगा, सब कुछ डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी कमी कि उसको कैसे सही करना है, ये भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करना रहेगा। जो भी यहाँ पर आपका स्टेटस है, जैसे कि यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर के जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप दोस्तों अपना स्टेटस चेक कर लेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, या आपका फॉर्म वेरीफाइड है, या फिर आपका पेंडिंग है, या फिर आपका रिजेक्ट है। दोस्तों अगर आपका वेरीफाइड है तो इसके बाद अगर आपको क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना रहेगा अपना स्टेटस जानने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर करोगे, देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसमें एंटर करके सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं, कैप्चा कोड भी फिलअप करके सर्च करके आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इन किसान भाई का रजिस्ट्रेशन, यहां पर रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं 3/4/2024 में, जो यहां पर अप्रैल महीने में इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसके बाद यहां पर आप देखोगे इनका यहां पर फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फार्मर कॉर्नर बेनिफिशरी। तो यहाँ से आप बेनिफिशरी जो का ऑप्शन है यहाँ पर चेक बेनिफिशरी स्टेटस, वहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बेनिफिशरी जो स्टेटस, जिन भी किसानों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उन्हीं किसानों का बेनिफिशरी स्टेटस ओपन होता है। तो यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, अब आप अपना बेनिफिशरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई प्रॉब्लम भी आती हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड करने की, या आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पाएंगे, तभी आप अपना स्टेटस चेक कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार का मैसेज आ चुका है तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब यहाँ पर आगे की प्रक्रिया क्या क्या होती है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, पीएम किसान पोर्टल पर दोबारा से आना है। पीएम किसान पोर्टल पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पर आना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो अभी पोर्टल पे अभी स्टेटस चेक कर रहे थे तो वहाँ पर बताया गया कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले काम आप स्टेटस चेक करने का काम करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि अभी आपके पास नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर में ही शो हो रहा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसके लिए आपको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप मोबाइल नंबर से थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं या आधार नंबर के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे कि मोबाइल नंबर, अगर आपका KYC से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो जिससे आप आधार नंबर सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है, देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसमें फिलअप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप गेट OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। आधार नंबर फिलअप करने के बाद जैसे गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करोगे, अगर आपकी EKYC कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव नॉट कम्प्लीट EKYC, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी EKYC कम्प्लीट नहीं है, प्लीज़ कम्प्लीट द EKYC प्रोसेस। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी EKYC कम्प्लीट नहीं है, कृपया अपनी EKYC कम्प्लीट करिए। तो दोस्तों आप लोगों को अपनी EKYC कंप्लीट करना रहेगा। हालांकि अभी पोर्टल में प्रॉब्लम चल रही, अगर आपकी EKYC भी होगी और आप आधार नंबर से चेक करोगे तो आपको इसी प्रकार की प्रॉब्लम शो करेगी। तो दोस्तों अभी आधार नंबर से आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकल रहा, अब दूसरा तरीका है आपका मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से निकालने के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना जो भी KYC में मोबाइल नंबर दिया होगा तो वही मोबाइल नंबर आपको डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। लेकिन जो न्यू किसान है वो उन्होंने तो KYC कराई नहीं, तो इसके लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पर, फिर से बैक आना है, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा EKYC का। दोस्तों यहाँ पर आपको EKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप EKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर सर्च पे क्लिक करना है।
यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं, देन यहाँ पर हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपको यहाँ पर ई के वाई सी ऑलरेडी डन दिखा रहा है तो यहाँ पर आपकी ई के वाई सी बोला जा रहा है कि कंप्लीट है, लेकिन अभी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है आपकी ई के वाई सी कंप्लीट नहीं है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको अपना स्टेटस जानना जरूरी है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको ई के वाई सी दोबारा से चेक करने के लिए फिर से बैक जाना है पीएम किसान पोर्टल पे। जैसे ही बैक आप पीएम किसान पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पर आपको अपने सीएससी सेंटर चले जाना, नज़दीकी जनसेवा केंद्र चले जाना है, वहाँ पे आपको अपनी ई के वाई सी दोबारा से करानी रहेगी। जो भी न्यू किसान रहेंगे अगर उनको पोर्टल पे प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो या फिर आप आधार नंबर से, तो दोस्तों नए किसानों को सबसे पहले अपने जनसेवा केंद्र जो नज़दीक में हो वहाँ पर जाना है। जो यहाँ पर आप पोर्टल पर भी देखोगे एक्सटर्नल लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो जनसेवा जो बेली होंगे वो यहाँ पर लॉगिन करेंगे सीएससी आईडी से, और वहाँ से आप लोगों की बायोमेट्रिक से ई केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। वहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर दोगे अपने ई केवाईसी में रजिस्टर करने के लिए, उसी नंबर से दोबारा से आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड करने की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे नाउ योर स्टेटस पे नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपने जो ई केवाईसी में मोबाइल नंबर दिया था सीएससी सेंटर पे जहाँ पर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट किए थे, अगर आपको यहाँ पर पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, ऑलरेडी केवाईसी दिखा रहा है, तो दोस्तों आपको जो भी न्यू किसान है उनको एक बार जनसेवा केंद्र जाके अपनी ई केवाईसी बायोमेट्रिक से पूरी करा लेनी है। जैसे बायोमेट्रिक से पूरी कराओगे उसके 24 घंटे के बाद अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे निकल आता है फिर अपना अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्टेटस में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, फिर जो कैप्चा कोड है इसमें डालकर गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करोगे, जो केवाईसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा जो आपने वहाँ पर रजिस्टर कराया था। ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे तो वहाँ पर आपका स्टेटस ओपन होगा। स्टेटस ओपन होने के बाद वहाँ पर आपकी लैंड सीडिंग, ई केवाईसी और यहाँ पर आधार सीडिंग तीनों यस होंगी। तीनों अगर आपकी यस हैं तो आपका पेमेंट अगर अभी तक नहीं आया है, पीएम किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त जारी होने तक आप सभी को पेमेंट नहीं आया है, तो आगे जैसे ही आपकी केवाईसी पूरी होती है उसके 15 दिन के अंदर आप सभी का पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ जाएगा। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।